सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जियोनी के न्यू स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में। जियोनी ने इंडियन मार्केट में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। उस स्मार्टफोन का नाम है जियोनी S10 Lite। इस स्मार्टफोन की सबसे अहम खासियत इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। जियोनी S10 Lite स्मार्टफोन बिल्कुल जियोनी S10 की तरह ही है। इसके अलावा यूज़र को WhatsApp क्लोन फीचर भी दिया गया है, जिसकी हेल्प से एक ही फ़ोन में 3 अकाउंट को यूज़ किया जा सकता है। जियोनी S10 Lite इंडिया में एक्सक्लूसिव तौर पर ऑफलाइन स्टोर पर अवेलेबल होगा। बात करते हैं जियोनी S10 Lite के इंडिया में प्राइस और लॉन्च ऑफर की। तो जियोनी S10 Lite को इंडिया में 15,999 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है और इसको सेल किया जाएगा इंडिया में। इसकी बिक्री देशभर के रिटेल स्टोर में स्टार्ट हो गई है। इस स्मार्टफोन के प्राइस रेंज में दिखते हुए इसकी कंपटीशन में डायरेक्ट मोटो G5S प्लस से होगा इसका कंपटीशन। जियोनी का नया फ़ोन गोल्ड और ब्लैक कलर वेरिएंट में मिलेगा। जियोनी S10 Lite कई लॉन्च ऑफर के साथ अवेलेबल होगा। जियोनी ने इंफॉर्मेशन दी है कि कस्टमर्स को 2 पेटीएम कैशबैक वाउचर मिलेंगे। कस्टमर्स को हर कूपन पर 250 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, जिसके लिए पेटीएम मॉल से कम 350 रुपीज़ की शॉपिंग करनी होगी। नए और मौजूदा रिलायंस जियो यूज़र्स हर महीने 15 GB एक्स्ट्रा डेटा पाएंगे। ऑफ़र 10 मंथ्स के लिए अवेलेबल होगा और इसके लिए 309 रुपीज़ व महंगे रिचार्ज पैक को चुनना होगा। अब बात करते हैं जियोनी S10 Lite के स्पेसिफिकेशंस की। तो जियोनी के इस फोन में 5.2 इंच की HD डिस्प्ले दी गई है। इस डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 720p x 1280p दिया गया है। इसके साथ ही इस फोन में एक स्नैपड्रैगन 427 प्रोसेसर दिया गया है और इस फोन में 4GB रैम दी गई है और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। स्मार्टफोन में रियर पर 30 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। जियोनी S10 Lite Amigo 4.0 OS पर रन करता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन में बैटरी की। तो इस फोन में बैटरी 3100 mAh की दी गई है। हैंडसेट में कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 4G वोल्टी का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0, GPS, AGPS, FM रेडियो, माइक्रो USB और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस फोन में एक्सेलेरोमीटर, डिजिटल कंपास और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे सेंसर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इस फोन में फ्रंट पैनल पर होम बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी इंटीग्रेटेड किया गया है और इस फोन का वेट 155 ग्राम है। तो फोन फीचर्स के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, काफ़ी जिस हिसाब से इसके फीचर्स दिए गए हैं उस प्राइस रेंज में इतना अच्छा फ़ोन नहीं है। अगर आप फिर भी इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, वरना कोई जितने हिसाब से फ़ीचर्स हैं उसके हिसाब से प्राइस ज़्यादा है। और भी फ़ोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको ख़रीद सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।